सोनभद्र के शक्तिनगर में दूर दराज से लोग नवरात्रि में शक्तिनगर के मां ज्वालामुखी मंदिर के नाम से विख्यात प्रसिद्ध है। यहां का खासियत है एक पुराने नीम का पेड़ है जो कि 12 महीने हरा भरा रहता है। वह पेड़ कितना भी पुराना हो अभी तक इसका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। वहीं प्रधान पुजारी श्लोकी मिश्रा ने बताया कि शक्तिपीठ कहे जाने वाली माँ ज्वाला देवी के यहाँ जो भी भक्त आते हैं सच्चे मन से उनकी पूरी मुरादें होती हैं। जगत जननी माँ ज्वाला देवी का महिमा अपरंपार है जो यहाँ पर नवरात्र में लगभग 50,000 के आसपास श्रद्धालु भंडारा का आयोजन चलता है। वह श्रद्धालुओं के रहने का मंदिर की तरफ से आए श्रद्धालु के लिए उपलब्ध है। साल में यहाँ दो बार चैत और कुवार में नवरात्रि के समय यहाँ मेला लगता है जो कि सिगरौली जिला सोनभद्र जिले से दूर दराज के लोग आते हैं। श्रद्धालु माँ के दर्शन करते हैं और सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं ऐसा कहा जाता है। तो यह शक्तिपीठ है, यह माता रानी का जिले का विभाग गिरा हुआ प्राप्त हुआ है। पिंडी के रूप में पूजी जाती है लेकिन दर्शन मात्र से हम लोग श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार में प्रतिमा लगाते हैं। और यहाँ की दो विशेषता है कि यहाँ एक ज्वालामुखी गुफा है और गुफे में पानी 12 मास चाहे वो जितनी वृष्टि हो जाए चाहे जितनी अवृष्टि हो जाए कम पानी निकलता है। दूसरा ये पौधा है जिस पौधे में नीम का वृक्ष है वो उस नीम के वृक्ष की उम्र कोई नहीं जानता और उस पौधे का विशेषता यह है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना वो फल और फूल देखने को मिलता है। नाम जो मंदिर से सुविधा प्रदत्त होती है श्रद्धालुओं को वह रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। 12 से 2 तक प्रतिदिन भंडारा चलाया जाता है और उस भंडारे में लगभग नवरात्र के दौरान पूरे नवरात्र को लेकर के 50,000 से आदमी से ज़्यादा भोजन करते हैं। प्रतिदिन 500-700,000 भोजन करते हैं और यह व्यवस्था मंदिर से चलाई जाती है। कोई सरकारी फंड नहीं, किसी पर कोई दबाव नहीं, सरकार बस अगर कोई दे दिया तो भी ठीक है क्योंकि भंडारा माँ जगत जननी जगदम्बा वैष्णो देवी ने चलाया था और उसी का अनुसरण आज तक होता चलाया जिसका नाम भंडारा और इसके गुणगान जितना गाया जाए उतना कम है। जय माता दी।